आप देख रहे हैं अपना समाचार। फिल्म की रिलीज डेट बढ़ चुकी है, जनवरी हो चुकी है, क्या कारण लग गया? हाँ, इस फिल्म को लेकर तो मैं बहुत ज़्यादा पहले एक्साइटेड था और अब भी हूँ, बट अब किसी कारण की वजह से मतलब आगे बढ़ गई है मूवी हमारी, तो अब कोई नहीं, हमारे लिए तो अच्छा ही है जो भी है। फिल्म हमारी फिल्म काफ़ी अच्छी भी है तो अच्छे मतलब देखेंगे सभी लोग। एक्चुअली क्या है कि हम लोग पहले अभी प्लान था पूरा कि 30 तारीख को रिलीज करेंगे और किसी कारण बस जैसा सर ने बताया, हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सर ने, कि वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है जिस वजह से हम लोग रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। सो हम लोग आगे जनवरी लास्ट तक में प्लान किया है रिलीज करने का। सो सभी दर्शकों से माफ़ी चाहते हैं कि जो वेट कर रहे थे, सब लोग कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे थे 30 तारीख के लिए, सो उनके लिए बहुत बहुत सॉरी बोल रहा हूँ मैं, और जनवरी लास्ट तक में फिल्म रिलीज होगी हमारी। ओके, फिल्म जैसे कि ये था कि सिनेमा घर हॉल ना मिलने के कारण, ये भी एक कारण हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सर ने बताया कि कुछ सेंसर का भी कुछ इशू आ रहा था, तो अभी ये टेक्निकल फॉल्ट है, इस वजह से भाई थिएटर वेटर का ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारा तो काफ़ी लोगों से बातचीत चल रहा है, सब लोग एक्साइटेड, वो भी हैं थिएटर के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, और वो भी सब लोग कह रहे हैं कि क्या, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, बस यही एक टेक्निकल फॉल्ट वजह था। ओके सर, आप कितना दुख महसूस कीजिए, आपकी फर्स्ट फिल्म है, डेब्यू है, डिले होना मतलब कहीं ना कहीं हाँ शुरू से मतलब मेरे फैमिली वाले, फ्रेंड्स और मतलब ऑडियंस जो थी, मेरे फेसबुक पे, इंस्टा पे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मूवी कब रिलीज़ होगी, और अब आज पता चलता है, मतलब मुझे 2-3 दिन पहले पता चल गया था कि मूवी हमारी जैन के लास्ट तक में मतलब पोस्टपोन हो गई, अब रिलीज़ होगी आगे। सो कोई नहीं, अब देखते हैं, और खैर मूवी अच्छी है तो लोगों को एक्साइटेड भी है कि लोग एक्साइटेड भी हैं कि देखेंगे, तो जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा जो भी सर ने किया है। ओके, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, बट वैसे भोजपुरी में भी है, और देखते हैं खैर आगे काम जो भी मिलता है, एक वेब सीरीज भी है, और देखते हैं जो भी मिलता है फिर अच्छा है, मतलब बताएंगे कि जो भी काम कर रहे हैं। एक्टर नहीं है आज, क्या कारण थे, मतलब जो अवधेश जी है वो आए नहीं? वो हाँ, वो बाहर शूट पे थे, उनसे बात हुई थी, सो उन्होंने बताया था कि शूट मतलब कि हमारा पोस्टपोन हो गया, तो उन्होंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब उनका तो खैर ठीक है, तो वो तो शूटिंग वगैरह पे थे, नहीं तो होते तो जरूर आते वो लोग। बातचीत हुई थी हम लोग उनसे, बोल रहे थे कि आप लोग कर लीजिए, डायरेक्टर साहब हैं, बाकी सब लोग हैं, तो शूटिंग में बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो लोग शायद नहीं आ पाए। हाँ, बाकी उनको भी जानकारी दिया हूँ, तो आगे शायद जो पोस्टपोन हुआ है डेट, तो वो लोग आएंगे सब। जनवरी में कब तक रिलीज होगी? हाँ, डेट का तो कुछ पता नहीं, बट हाँ की कोशिश तो ये है कि जैन क्लास तक में कर दें, और बाकी प्रोड्यूसर सर को साइड डेट पता हो। लास्ट तक अगर आप रिलीज करेंगे तो उस समय भी दो बड़ी फिल्म रिलीज होगी बॉलीवुड की, कंगना की, और उसके अलावा और एक फिल्म रिलीज हो रही है तो जगह, चाहे वो नवरंग भी हो, वहाँ पे बड़ी सिनेमा फिल्म लगती है, तो उसको लेके आपके क्या मतलब, क्या स्ट्रेटेजी कर रहे हैं? मतलब स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि बॉलीवुड तो अलग जगह है, और भोजपुरी जो हमारी बहुत अलग है, और जो हमारी मूवी है वो तो खैर है ही अलग, मैनेजमेंट सब अपना ये लोग सब कर रहे हैं, वो लोग अपना मैनेजमेंट कर ही रहे हैं, सबसे बातचीत चल रहा है, वो लोग सब लोग बातचीत कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कोई इशू आने वाला नहीं है सब लोग, क्योंकि फिल्म का जो भी कंटेंट जो भी देख रहा है, जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, अभी जैसे म्यूजिक कंपनी यसी के साथ हमारा टाइप हुआ है, तो सब लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, चीज़ें इतनी अच्छी हैं, गाने और सारा कुछ इतना अच्छा है, कि वो लोग खुद जो है हमारे प्रोडक्शन से सारा कुछ कॉन्टेक्ट किए हुए हैं कि कितना जल्दी क्या सब कुछ करना है, तो बस यही एक सेंसर का इशू हमारा आ रहा था, सो आई थिंक अब हम लोग जनवरी लास्ट में जा रहे हैं, तो देखते हैं सब। कोई अप्रिसिएशन मिला आपको, केसारी लाल, पवन सिंह, नीरव वासे, तीनों से कुछ अप्रिसिएशन आया कि नहीं अभी तक? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, बट जो भी आएगा तो देखते हैं। अभी फिल्म आने के बाद ही मतलब ट्रेलर देखा होगा आपने, दिखाया है क्योंकि वो बड़े स्टार है भोजपुरी। अभी अभी उनसे कुछ ज़्यादा खास कांटेक्ट तो नहीं हो पाए, और कोशिश की गई है, बट हाँ मतलब जो मेरे कलाकार थे, मतलब इसमें सीनियर थे, उन लोगों ने, उन वो तो थे ही मूवी में साथ में, और लेकिन उन्होंने जब मेरा काम देखा ट्रेलर लॉन्च होने के बाद, उन्होंने देखा तो उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, मतलब तारीफ वगैरह की कि हाँ ठीक, अच्छा है, गलतियाँ भी बताई थी, अच्छा था, मतलब मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था ये सब। थैंक यू सो मच।